हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। आज हम बात करेंगे हर्डल रेस के ऊपर। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने रनिंग इवेंट पे बात की थी, रिले रेस पे बात की थी, और आज हम हर्डल रेस के ऊपर बात करेंगे। हर्डल रेस को हम बाधा दौड़ ही बोलते हैं। सेम ये स्प्रिंट रेस की तरह होती है, बस इसके अंदर कुछ हर्डल्स होती हैं, कुछ बाधाएँ होती हैं तो एथलीट को पार करनी होती हैं। तो ये मेंस और वुमेंस दोनों के अंदर होती है। चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि जो मेन के लिए होती हैं और वुमेंस के लिए होती है। पहले यहाँ पर पुरुष वर्ग के लिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम मेन में सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी इसके अंदर हमारी हर्डल रेस मेंस के अंदर होती हैं। ठीक है, तो मेन में होती है 110 मीटर हर्डल, जिसको बोलते हैं हिंदी में 110 मीटर बाधा दौड़। फिर एक होती है इसी के अंदर 400 मीटर, ये तो हो गई मेन के अंदर। फिर वोमेन में होती है, महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर होती है 100 मीटर हर्डल रेस और 400 मीटर हर्डल रेस। ठीक है, मेंस में 110 मीटर होगा उसका डिस्टेंस और वोमेन्स में 100 मीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम 110 मीटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेंस की 110 मीटर की बात करते हैं, 110 मीटर हर्डल की, एज फॉर हर्डल्स की बात करते हैं। तो 110 मीटर जो हर्डल रेस होती है उसके अंदर नंबर ऑफ हर्डल जो इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि हर्डल की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि नंबर ऑफ हर्डल्स कितने होते हैं 110 मीटर बाधा दौड़ में, तो कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, 110 मीटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर 400 मीटर की हम अलग बात करेंगे। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ हर्डल्स हो गए 10। फिर वेट ऑफ हर्डल की बात करते हैं, वेट ऑफ हर्डल, तो हर्डल का वेट कितना होना चाहिए, 10 kg। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि हर्डल का वेट कितना होता है, 10 kg। ठीक है, फिर यहाँ पर विड्थ ऑफ हर्डल की जो चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है, तो चौड़ाई हर्डल की बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा था कि हर्डल की चौड़ाई कितनी होती है, तो यहाँ पर होती है 1.20 मीटर हर्डल की चौड़ाई होती है। विड्थ ऑफ हर्डल कितनी होगी, 1.20 मीटर, और जो हमारी लाइन होती है दौड़ने की उसमें होती है 1.22 मीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम 110 मीटर हर्डल में बेसिक चीज़ हमने जान लिया कि नंबर ऑफ हर्डल्स कितने होंगे, वेट हर्डल का कितना होगा, हर्डल की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, अब 110 मीटर हर्डल में हम मेन में चीज जाते हैं कि हर्डल की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, जो एथलीट जंप करता है उसकी ऊंचाई क्या होगी और डिस्टेंस कितना होता है जो रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट ऑफ हर्डल। हाइट ऑफ हर्डल अभी हम 110 मीटर की बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ हर्डल जो होगी इसके अंदर होगी 1.067 मीटर। ये हर्डल की हाइट होती है, मतलब एक हर्डल यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारा हर्डल है, तो हम इसकी हाइट की बात कर रहे हैं, ये हाइट की बात कर रहे हैं हर्डल्स की। ठीक है, ये हमारे हर्डल्स की बात, हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो हर्डल्स की हाइट क्या होगी, 1.067 मीटर इसकी हर्डल की हाइट होती है। तो वेट ऑफ हर्डल हमारा 10 kg होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल। ठीक है, स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल, फर्स्ट हर्डल एज फॉर हर्डल, जब स्टार्टिंग लाइन से जो पहला हर्डल रखा होगा उसमें दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो दूरी होगी यहाँ पर 13.72 मीटर, 13.72 मीटर पर पहला हर्डल रखा जाता है स्टार्ट लाइन से। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि बिटवीन हर्डल। ठीक है, बाकी के हर्डल कहाँ पर रखे होते हैं, बिटवीन हर्डल, यहाँ पर बिटवीन हर्डल की बात हम करते हैं। तो बिटवीन हर्डल रखे जाएंगे हमारे यहाँ पर, पहला जो हर्डल था स्टार्ट लाइन से और फर्स्ट हर्डल जो हमारा था वो था 13.72 मीटर, और यहाँ पर जो होगा बिटवीन हर्डल होगा 9.14 मीटर। ठीक है, आप ऐसे 9-14 ऐसे याद कर सकते हो, या 9.14 पॉइंट वहाँ पर लगा करके। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन, लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन, फिनिश लाइन का जो डिस्टेंस होता है आखिरी हर्डल से, जो दसवां हर्डल होता है वहाँ से हमारी फिनिश लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यहाँ पर बात करते हैं 14.02 मीटर। वीडियो यहाँ तक आ रही है, कहाँ तक, नीचे कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक। अभी इतना आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, अब हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर कितना डिस्टेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ये हमारा फिनिश लाइन हो गया, ठीक है, ये हमारी फिनिश लाइन है और ये हमारा है 100 मीटर का स्टार्ट, और ये एक दूसरा स्टार्ट हमारा होता है, ये हो गया हमारा 110 मीटर का स्टार्ट, ये वाला हमारा 110 मीटर का स्टार्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन देख लेते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर ऑफ लाइन्स हमारी 8 है। यहाँ पर जो आपका हमारा 110 मीटर हर्डल स्टार्ट होगा उसकी स्टार्टिंग लाइन ये वाली होती है, ये वाली स्टार्ट लाइन है 110 मीटर हर्डल की, ठीक है, और ये वाली स्टार्ट लाइन है 100 मीटर हर्डल की, ठीक है, 100 मीटर हर्डल की। तो 110 मीटर स्टार्ट कहाँ से होगा, हर्डल यहाँ से, ठीक है, और फिनिश लाइन हमारी ये हो गई, ये हमारी फिनिश लाइन हो गई, फिनिश लाइन हो गई हमारी ये। तो यहाँ स्टार्टिंग लाइन से ये 110 मीटर हर्डल की स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल की मैं बात कर रहा हूँ, तो पहला हर्डल मैंने यहाँ पर रख दिया, ये हर्डल की मैं बात कर रहा हूँ, पहला हर्डल मैंने यहाँ पर रखा, तो उनका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर मार्क दिया है 13.72 मीटर, ठीक है। तो ऐसे 10 हर्डल रखे हुए, नंबर ऑफ हर्डल कितने होंगे, 10 होंगे, ये 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर ऑफ हर्डल 10 हो गए। स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल डिस्टेंस कितना होगा हमारा 13.72 मीटर। अब बिटवीन हर्डल की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर 2 से लेकर के और नंबर 9 तक जो हर्डल रखे होंगे वो कितनी दूरी पर रखे होंगे, 9.14 मीटर, और लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन मतलब 10वां हर्डल से लेकर के लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, 14.02 मीटर, ठीक है। अब एक चीज के अंदर और इम्पोर्टेंट है कि हम मार्क कैसे पहचानते हैं कि ये 110 मीटर हर्डल की लाइन कौन सी है और 100 मीटर हर्डल की लाइन कौन सी है, क्योंकि ये स्ट्रेट रेस हो रही है, सीधे इस पे भी 100 मीटर रेस भी होती है, तो जो 110 मीटर हर्डल होगा, ठीक है, तो जहाँ पे 110 मीटर हर्डल कराया जाता है, जहाँ पे हर्डल रखे जाते हैं, वहाँ पे ब्लू मार्क होता है, ठीक है, ब्लू मार्क होता है, एक यहाँ पर इस तरह से ब्लू मार्क होगा छोटा सा इस तरह से, ठीक है, हर लाइन के अंदर आपको ऐसे मिलेगा ब्लू मार्क इस तरह से, ऐसे ऐसे ब्लू मार्क आपको मिलेगा, उस ब्लू मार्क के ऊपर ही आपको हर्डल रखना है, कौन सा, जहां पर 110 मीटर हर्डल्स होंगे उस ब्लू लाइन पर, ठीक है, और जब 100 मीटर हर्डल होगा वोमेंस में तो वहां पर आपको येलो मार्क मिलेगा, कैसा मिलेगा, येलो मार्क आपको मिलेगा वहां पर, तो जहां पर येलो मार्क हो वहां पर आपको समझ लेना है कि 100 मीटर हर्डल वहीं पर रखे जाएंगे जब महिलाओं की होगी, और जहां पर ब्लू मार्क है वहां पर 110 मीटर वाले हर्डल्स रखे जाएंगे, दोनों की हाइट चेंज होती है जैसा मैंने अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और जब 400 मीटर की हर्डल्स होगी मेंस और वोमेंस दोनों के लिए तो आपको ग्रीन मार्क वहां पर मिलेगा, ठीक है, ग्रीन मार्क वहां पर दिया जाएगा, ठीक है, इतना सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 110 मीटर हर्डल जान लिया, कितने हर्डल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे रखे जाते हैं, ठीक है, और लाइन कैसे होती है, ये चीज हमने इसके अंदर जान ली। अब हम बात करते हैं 400 मीटर हर्डल की के ऊपर, 400 मीटर जो हर्डल्स है वो मेंस और वोमेंस दोनों के अंदर होती है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं, मेंस की बात करते हैं, ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हाइट ऑफ हर्डल एज फॉर हर्डल, हाइट ऑफ हर्डल जो मेंस में होगी वो होगी 0.914 मीटर, ठीक है, ये मेन में होगी, और वोमेन में होती है हमारी हाइट ऑफ हर्डल इसके अंदर होगी 0.762 मीटर, ये इसके अंदर सिर्फ हाइट का चेंज यहाँ पर आपको मिलेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस दोनों के अंदर इक्वल रहता है। स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल ठीक है कितना होगा 45 मीटर, बिटवीन हर्डल ठीक है यहां पर 35 मीटर, ठीक है, और लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन इसके अंदर कितना होगा 40 मीटर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ हाइट चेंज हो गई, बाकी डिस्टेंस दोनों में इक्वल रहता है। अब हम समझते हैं कि ये स्टार्ट कैसे रेस होती है। देखिए, अब रेस शुरू होती है हमारी 400 मीटर हर्डल मेन और वुमेन्स में जब शुरू होगी तो उसके अंदर स्ट्रैगर दिए जाते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रैगर बोलते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे मैंने 5 लाइन बनाई है,
इसके अंदर जो स्ट्राइकर दिया जाता है, आपने 400 मीटर रेस देखी होगी, 400 मीटर रेस के अंदर फुल स्ट्राइकर दिया जाता है एथलीट को, तो इसके अंदर भी हम 400 मीटर हर्डल के अंदर भी हम फुल स्ट्राइकर देते हैं। फुल स्ट्राइकर किस किस में देते हैं, यहाँ पर हमारा 400 मीटर रेस में फुल स्ट्राइकर दिया जाएगा, ठीक है, 4x100 मीटर में फुल स्ट्राइकर दिया जाएगा, ठीक है, और 400 मीटर हर्डल रेस में मेंस और वोमेंस इनमें हमारा फुल स्ट्राइकर दिया जाता है। तो यहाँ पर सभी को फुल स्ट्राइकर दे दिया गया, 5 एथलीट है, 5 को फुल स्ट्राइकर दे दिया गया। ये लाइन नंबर 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ हर्डल्स कितने रखेंगे, हम लाइन नंबर 5 वाले को यहाँ पर एथलीट को लेते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर पहला हर्डल 1 हो गया ये, फिर ये हर्डल हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। टोटल नंबर ऑफ हर्डल्स कितने रखे होंगे इसके अंदर, 10 हर्डल रखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल का जो डिस्टेंस होगा वो आपका होगा 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से ये नंबर 1 वाला हर्डल हो गया, ठीक है, ये 2 वाला हो गया, ये 3, 4, 5, 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। अब यहाँ से 2 नंबर 2 से लेकर के और नंबर 9 तक, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 35 मीटर, मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको, ये 35 मीटर, ठीक है। नंबर 2 से हर्डल से लेकर के नंबर 9 हर्डल तक कितना डिस्टेंस होगा, 35 मीटर का, मतलब यहाँ से 2 से लेकर के 3 के बीच का हर्डल कितना होगा, 35 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 35 हो जाएगा, यहाँ पर भी 35 मीटर होगा, यहाँ पर भी 35 मीटर होगा, सब में 35-35 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। फिर लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन, अब ये हमारी यहाँ पर क्या हो गई, ये फिनिश लाइन हो गई, ठीक है। तो 10वां जो हर्डल हमारा नंबर 10 है, यहाँ से लेकर के फिनिश लाइन तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा, यहाँ पर 40 मीटर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इसके अंदर जो हम पहचानते कैसे हैं, ये कलर हमारा कौन सा होगा, उसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन मार्क होता है मेंस वोमेंस दोनों के लिए, जहाँ पर आपको ग्रीन मार्क दिखता है वहीं पर हर्डल्स लगाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 100 मीटर हर्डल्स के ऊपर। 100 मीटर हर्डल्स किसके अंदर होती है, वोमेंस के अंदर होती है, ठीक है, ये सबसे पहले जान लेना है कि 100 मीटर जो हर्डल रेस होती है वो वोमेंस की होती है, ठीक है। तब यहाँ पर हम जानते हैं सेम, इसमें भी नंबर ऑफ जो हर्डल्स होंगे, नंबर ऑफ हर्डल वो 10 होंगे, ठीक है, और वेट ऑफ हर्डल ठीक है, इसके अंदर 10 kg होगा, सेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन है उसकी बात करते हैं, हाइट ऑफ हर्डल, ठीक है, हाइट ऑफ हर्डल इसके अंदर कितना होगा, 0.84 मीटर। जो मैंने हाइट बताई थी आपको हर्डल की, ठीक है, ये वाली हर्डल की हाइट जो मैंने बताई थी आपको पहले इस तरह से, ठीक है, कि इसकी हाइट कितनी हर्डल की है, तो वो कितनी होगी, 0.84 मीटर। ये किसके अंदर है, 100 मीटर हर्डल वोमेंस की, ठीक है, हाइट हो गई। अब इसके अंदर देखते हैं कि डिस्टेंस कितना होता है, तो स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल हमारा कितना होता है, 13 मीटर, ठीक है, 13 मीटर। फिर हमारा बिटवीन हर्डल उनकी दूरी क्या होगी, 8.50 मीटर, ठीक है। फिर लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन ये होगा 10.50 मीटर, ठीक है। आप छोटा सा एक फॉर्मूला याद कर लें, 13 मीटर, 8.50 और फिर हमारा 10.50, ऐसे आपको सिंपल डिस्टेंस याद हो सकता है। अब एक ही छोटा सा डायग्राम बना है समझने के लिए कि 100 मीटर वोमेंस हर्डल होती कैसे। ये स्टार्ट लाइन है 100 मीटर वोमेंस हर्डल्स की, यहीं से ही हमारी 100 मीटर रेस पुरुष और महिला वर्ग की स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर हमारा ये फिनिश लाइन है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल की दूरी 13 मीटर। स्टार्ट लाइन से जो पहला जो हमारा हर्डल है उसकी दूरी कितनी होगी, यहाँ पर 13 मीटर, ठीक है। और बिटवीन हर्डल मतलब नंबर 2 से लेकर के और नंबर 9 तक जो डिस्टेंस होगा हर्डल का वो होगा 8.50 मीटर,
मतलब दो से नंबर दो वाले हर्डल से लेकर के नंबर तीन वाले के बीच की दूरी होगी 8.50 मीटर और तीन वाले से चार वाले के बीच में होगी 8.50 मीटर, ऐसे सबके बीच में ठीक है होगी 8.50 मीटर। अब हम टेन दसवां वाला जो हर्डल है वहां से वो फिनिश लाइन की दूरी देखेंगे, फिनिश लाइन की जो दूरी होगी वो होगी 10.50 मीटर। इस तरह से हम जो अपना डिस्टेंस होता है हर्डल का वहीं पर हम हर्डल्स को रखते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे, से मैंने आपको बताया यहाँ पर मार्क होता है, इस तरह से छोटे छोटे आपको मार्क मिलते हैं यहाँ पर इस तरह से, उस मार्क पर ही हर्डल रखे जाते हैं, ये वाला सेम ऐसे ही मार्क आपको मिलेगा। तो मार्क किस कलर के होंगे इसमें, येलो कलर के ठीक है, येलो कलर का मार्क होगा ठीक है। और 110 मीटर का कौन सा होगा, ब्लू कलर का, जहां पर येलो कलर का मार्क होगा वहां पर 100 मीटर जो हर्डल हो रही है उसके हर्डल्स वहां पर रखे जाएंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी हम यहां पर बात करते हैं कि हर्डल्स में फाउल कैसे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फाउल की मैं बात करता हूँ, सभी जो खिलाड़ी होंगे वो अपनी ही लाइन में दौड़ेंगे, अगर आप ट्रैक चेंज करते हो तो ये पहला फाउल होता है ठीक है। दूसरा फाउल कैसे होता है कि अगर आप हर्डल्स में अपना हाथ टच करते हो, आपने हर्डल पे ऐसे हाथ लगा दिया तो वो दूसरा फाउल माना जाता है, हर्डल को हाथ से आप टच नहीं कर सकते हो ठीक है, आपको पैर से ही कूदना है ठीक है। तीसरा फाउल यहाँ पर कैसे होता है कि अगर आप हर्डल जंप कर रहे हो, जंप करते हो जो आपका लीडिंग जो लेग है मतलब पहला वाला जो पैर है, जब आप दौड़ते हो हर्डल आप दौड़ रहे हो और हर्डल कूदने जा रहे हो, जो पहला पैर आप निकालते हो अगर वही हर्डल में लग जाता है ऊपर टॉप बार पे, जो हर्डल का ये टॉप बार होता है ये वाला इस हिस्से में, जैसे हर्डल पे पैर लगा आपका और वो हर्डल गिर गया तो ये भी फाउल होता है ठीक है। अब उसके अलावा पांचवा फाउल इसमें कैसे होता है कि आप रनिंग कर रहे हो, हर्डल रेस कूद रहे हो, आप साइड हर्डलिंग करते हो मतलब हर्डल के साइड से निकलते हो तो ये भी फाउल होता है ठीक है। छठा फाउल इसके अंदर हम देखते हैं कैसे होता है कि आप हर्डल रेस भाग रहे हो और आप हर्डल कूदने के टाइम जो हाथ हैंड का मूवमेंट होता है वो इस तरह से होता है, हाथ आपका ऐसे होगा और दूसरा हाथ होता है वो इस समय नीचे की साइड होता है। बहुत से एथलीट क्या करते हैं, उस हाथ को ऐसे साइड में कर देते हैं, इस तरह से उसको साइड में कर देंगे। तो अगर आपके हाथ को साइड करने से ठीक है वो लाइन नंबर दूसरे में हाथ चला गया, वो हाथ आपका आपका साइड में है और जिससे सेकेंड दूसरा जो एथलीट है अगर आपके हाथ के मूवमेंट से वो डिस्टर्ब होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये भी छठा इसके अंदर फाउल इसके अंदर माना जाता है कि अगर आपकी वजह से कोई एथलीट डिस्टर्ब होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। सातवां फाउल हम देखते हैं इसके अंदर कैसा होता है कि अगर आप हर्डल जो हमारा हर्डल है उसके ये हर्डल है हमारा हर्डल के अगर आप नीचे से निकल जाते हो तो ये भी फाउल माना जाता है ठीक है। और अगर आप लाइन चेंज करते हो ये भी फाउल आपका माना जाता है ठीक। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर्डल्स के अंदर था जो हमने यहाँ पर कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारी जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने रनिंग इवेंट बताया है या रिले रेस बताया है या एथलेटिक की आपको पूर्ण जानकारी चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारा एक पेज भी है फेसबुक के ऊपर SK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के नाम से, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको मिलेंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।